तो भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं CPI रिपोर्ट के बारे में। इसके बारे में मैं पिछले मंथ के आधे तारीख, मतलब आधा जो मंथ था वहाँ से बोल रहा था, 15 मई के आसपास से बोल रहा था मैं, और बोल रहा था कि इसका जो CPI रिपोर्ट है वो आएगा। अब तो बार बार मैं कितना बोलूँ और बोल भी नहीं सकता। खैर, मुझे आपको और कुछ इंटरेस्टिंग भी बताना है। CPI रिपोर्ट आई है, उसमें क्या निकला है वो सब देख लेते हैं। और टाइम से रहते मैंने आपको वॉर्न किया था CPI आएगा तो बिटकॉइन में हलचल मचेगी, यानी देख लो हलचल क्या मची है। आया बिटकॉइन लुढ़क के भैया नीचे, ठीक यहाँ पे आया। ये देखो CPI रिपोर्ट के आने के बाद ही ये हुआ है, पहले नहीं हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद ही हुआ है, धड़ाम से गिरा है। अभी बॉक्स के निचले हिस्से में आया है, कौन से हिस्से में, ये रेड जोन ऑलरेडी ड्रॉन था, इसके अंदर आया। खैर, वो सब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले भैया इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टर्न ऑन करो नोटिफिकेशन को, जल्दी जाओ टर्न ऑन करो और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जो करना है करो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर आप जाके, मैंने आज आप देख सकते हो मैंने नीचे एक ब्लॉग की लिंक दी होगी, वहाँ पर मैंने एक वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी ट्रेड। आज की एक मैंने ट्रेड ली थी ANC में 50% का, तो उसमें पूरा लिख के बताया मैंने कि आखिर इस ट्रेड में मैंने किस तरह से 50% प्रॉफिट कमाया शॉर्ट करके, और क्या चीज़ मैंने ऐसी देखी थी RSI डाइवर्जेंस की वजह से। देखो यहाँ पर ये ANC है, ये मेरा सेटअप था पूरा का पूरा, और ये मेरा एक स्ट्रैटेजी जो मैंने सेट करके रखी है एमए की, और इसने मुझे शॉर्ट का बताया था, इसने मुझे लॉन्ग का, बट मैंने स्ट्रैटेजी का वेट किया। अभी भी इसने देखो मुझे शॉर्ट का बता के रखा है, एंटर शॉर्ट बताया था यहाँ पे, ठीक। अभी शॉर्ट के यहाँ पर चांसेस थे, EMA क्रॉसओवर्स हुआ है, तो बेसिकली मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाहर हूँ, मेरा आज का अच्छा बन गया। तो उस ट्रेड के बारे में पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या देखा मैंने, और देखो पहले स्क्रीनशॉट भी डाला है और बाद का भी डाला है, पढ़ लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, ट्विटर को भी फॉलो कर लेना। बट अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग वीडियो के अंदर। देखिए, इन्फ्लेशन रेट निकला है 8% पिछले महीने का, जो कि दिसंबर 1981 से सबसे हाईएस्ट है, ठीक। 8.6% निकला है इन्फ्लेशन रेट, एंड इट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। S&P उसके तुरंत बाद 2.5% गिर गया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डिक्लाइन 675 पॉइंट्स, 2.1% नैसडैक कंपोजिट जो है वो 3% गिर गया। लाओ एक बार नैसडैक को हम लोग देखते हैं अपनी खुली आंखों से, नैसडैक को क्या हुआ, नैसडैक को लेट्स सी, यहाँ पर जाते हैं ऑल में, नैसडैक को देखते हैं क्या हुआ। नैसडैक देखिए गिरा है, काफ़ी भयंकर गिरा है वीकली में, लेकिन 4 आवर में देखें तो गिरा है ये देखो, पिछले कुछ घंटों में काफ़ी ज़्यादा आज का जो है डाउनफॉल देखने को मिला है CPI रिपोर्ट के आने के बाद। तो नैसडैक करना क्या चाह रहा है, ये एक हम बियरिश, देखो ओवरऑल देखो स्ट्रक्चर पूरा बियर मार्केट का है, ठीक। तो सबको पता है हम बियर मार्केट में, ये चीज़ हमारे चैनल पर एटलीस्ट मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि बहुत टाइम पहले से बताई गई थी हमारे चैनल पर, ये चीज़ 50-48 हज़ार से बताई जा रही है, तब बिटकॉइन 48 हज़ार था, और अभी बिटकॉइन आप देख सकते हो आपके सामने 29 हज़ार चल रहा है। हमारा टारगेट बताया गया था इस जोन के अंदर, इस जोन में हिट होने से पहले बताया गया था हमारे चैनल में, यहाँ पर 27 हज़ार से लेकर 21 हज़ार के बीच में मैंने बोला है कि बॉटम हो सकता है, एंड मैं वहीं पर अभी एक्सपेक्ट करूँगा। हो सकता है हमारी विक जो है वो नीचे जाए, इसलिए मैंने 2-3 सपोर्ट्स वहाँ पर भी ड्रॉ करके रखे हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक ग्रीन कैंडल हमें दिख गई 8-9 वीक के बाद, रेड जो बनी वो CPI की वजह से बन गई, और उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए बिटकॉइन क्या कर रहा है, क्रूशियल सपोर्ट क्या है, वॉल्यूम आई है अच्छी खासी इसमें, ठीक, सेलिंग तो हुई है। अब RSI डाउन है, थोड़ा सा हो सकता है पुश लेके ऊपर से इस बार फिर से कोशिश करे। अच्छा देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि ये फिर से कोशिश करे तोड़ने की, एक बार यहाँ पे आया था तोड़ के ऊपर चला गया था, ये दूसरा टेस्ट है, ये तीसरा टेस्ट है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है, ये सातवा है, ठीक। और उसके जस्ट बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि अभी हम लोग यहाँ पर बहुत दिन बाद आए, लगभग 28 मई के बाद अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, और देखो ये नवा हमारा 8वां 9वां आई थिंक टेस्ट हो गया। तो इस एरिया में ये जो मैंने लाइट कलर का रेड कलर का एरिया बनाया है ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ नाउ लेट मी टेल यू व्हाई। देखो इसको मुझे डार्क कर देना चाहिए,
अब ये आपको पता चल गया क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्ट हो चुका है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये टूटा, जहाँ टूटा तो ये हमारा इस पूरे कंसोलिडेशन जोन का बॉटम भी है, इस रेक्टेंगल का पूरे, तो ये टूटने के बाद मुझे जो सीधा दिख रहा है वो यहाँ तक बिटकॉइन दिख रहा है 27 से 26 400 तक, उस बीच में आके फंस सकता है बिटकॉइन। तो लेट्स सी होने को क्या होता है। मैं आपसे एक कॉइन भी शेयर करने वाला था, एक्सेस की बात करने आया था। हाँ, मैं जो जिस चीज़ की मेन बात करता हूँ तो भूल ही गया, टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप भैया देख लो, 1.3 से ट्रैक करते आ रहे हैं, आज टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.69 चल रहा है, ठीक 1.169 चल रहा है। और इसी के साथ साथ हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर, तो वहाँ पर देख लेते हैं कितना चल रहा है। वहाँ पर 1.19 चला गया, वहाँ पे 100 बिलियन डॉलर्स और चले गए हैं आज, तो ये देख लो एक। अब हम लोग कितने पीछे हैं, 100 बिलियन डॉलर और जाएंगे मार्केट से, जो मेरा प्रेडिक्शन सही होगा, जो कि है 900 बिलियन से 800 बिलियन डॉलर्स का, कि क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप जा सकता है उतना नीचे, ठीक। और अगर उतना गया तो बहुत हो सकता है, क्योंकि मैंने टाइम से आपको बताया देखो, ठीक। और ये क्या चीज़ के है, वो मैंने एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ पढ़ रहा था, तो उस चीज़ को मैं ट्राई कर रहा था, देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। फिलहाल मेरा जो बैंड है वो यहाँ पर बना हुआ है 922 से लेकर 752 तक, उस बीच में अगर यहाँ पर आता है प्राइस तो मैं वेट करूँगा यहाँ पर आने का। वैसे ही इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर आई थिंक 1 ट्रिलियन, लेकिन 1 ट्रिलियन के नीचे ही मैं मानूंगा 900 बिलियन के अराउंड, ठीक। तो वो हो सकता है हमारा। और हाँ, कॉइन की बात करें, एक्सेस की, एक्सेस एक कॉइन उठाते हैं आज के एनालिसिस में। क्या कर रहा है एक्सेस, पहले तो एक्सेस की यहाँ पर 8 नवंबर में ही बहुत ख़राब न्यूज़ आई थी, कुछ स्पेल, इसका टोकन कौन सा था, SPL, तो उस टोकन की वजह से यहाँ से उसकी यहाँ पे एक्सेस की आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुई गिरावट होना, ठीक। तब से यहाँ पर गिरावट होना स्टार्ट हुई, आई थिंक कब तक कितना गिर चुका है, 89% एक्सेस गिर चुका है, ठीक। और इसमें ख़राबी ये है कि एक्सेस अपनी खुद की वजह से गिरा है, मार्केट तो गिर रही है पर एक्सेस में कुछ फॉल्ट हैं, एक्सेस का खुद मेटावर्स में देखो रोल था, ठीक। लेकिन मैंने आपसे एक टाइम पर बोला था कि मेटावर्स से अब टाइम रहते निकलने का टाइम आ गया, क्यों, मेटावर्स यार सीजनल चीज़ें हैं, ठीक। मेटावर्स, प्राइवेसी, ये सब सीजनल है, बिटकॉइन एंड इथेरियम फॉरएवर है, और जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन है जो अच्छा काम कर रहे हैं वो फॉरएवर है। तो फिलहाल अब देखो मेटावर्स का जैसे सीजन गया वैसे ही इसका प्राइस भी गया, इसमें कुछ फॉल्ट्स भी निकली थी, उसके तुरंत बाद हल्का सा पंप लेके ये फिर से नीचे लुढ़का। अभी ये एक जोन में है जहां पर या तो ये यहां पर सपोर्ट लेगा, 14 तक आ सकता है आई थिंक, अभी चल रहा है 18, 14 तक मैं मान रहा हूँ आ सकता है, और 172 तक गया था, बताओ 14 तक आ सकता है, और उसके बाद मैं नीचे यहाँ पर वेट करूँगा 7 से 4 के बीच में, ठीक। तो ये एक एरिया है जो आप एक्सेस में देख सकते हो, पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक्सेस कंपनी अगर बंद नहीं होती रात रात तो इसमें ट्रेड एक अच्छा ट्रेड बनेगा, मतलब अगर मेटावर्स का फिर से सीज़न आता है तो हल्का फुल्का ये भी बंप होगा ना, तो अगर इस एरिया में पकड़ सकते हो तो इस एरिया में सेल भी कर सकते हो, कहाँ से 5 से 18 में 4 से 5x बन जाएगा, तो ये एक छोटी छोटी ट्रेड हो सकती है। बाकी आप लोगों को अगर फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाकी आप ये ट्रेड भी पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और हाँ, बस इतना ही है, टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।